विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने महाराजा संसार चंद स्मारक राजकीय महाविद्यालय थुरल में 518 लाख से निर्मित भवन का हवन पूजन के साथ क्षेत्र को समर्पित किया। इसी सत्र से यहां पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स PGDCA आरंभ करने की घोषणा की। परमार ने कहा कि थुरल चंगर क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है और आसपास की लगभग 25 पंचायतों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए यह बेहतर संस्थान है। उन्होंने कहा कि छात्रों और लोगों की मांग पर पिछले वर्ष यहां BCA संख्याएं आरंभ कर छात्रों को राहत देने का प्रयास किया गया। उन्होंने महाविद्यालय PTA सदस्यों और अध्यापकों से महाविद्यालय के छात्रों की संख्या को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि महाराजा संसार चंद मेमोरियल राजकीय महाविद्यालय थुरल का भविष्य उज्ज्वल हो, इसके लिए सरकार यहां तमाम तरह की सुविधाओं के सृजन और ढांचागत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने की जिम्मेदारी प्राध्यापक वर्ग की अधिक है। परमार ने कहा कि सुलह विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र अभूतपूर्व और कुछ नया करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि थुरल और नोरा महाविद्यालय में स्टाफ की उपलब्धता के साथ साथ सुंदर भवनों का निर्माण किया गया। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा उपलब्धता के लिए परौर में 30 करोड़ से पॉलिटेक्निकल कॉलेज तथा रंजू में 15 करोड़ से ITI भवन का निर्माण किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि थुरल और आसपास के क्षेत्रों में भी विकास की गति प्रदान कर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गर्थू से डूहक सड़क निर्माण पर 2,17,00,000, थुरल बछवाई सड़क निर्माण पर 11 करोड़, थुरल पंगा लाहड़ भाटी सड़क पर 2,47,00,000, भेरघट्टा घंडेड़ा सड़क निर्माण अपर 5 करोड़, चुल्ला पुल निर्माण पर 1,22,00,000 और थुरल की विभिन्न सड़कों के मरम्मत कार्य पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेयजल योजना थुरल ब्रांता के पुनर्निर्माण पर 12 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और इसके निर्माण से 5 पंचायतों के किस गांव में पेयजल उपलब्धता में सुधार होगा। उन्होंने बताया कि सिंचाई योजना नौण पर 60,00,000 और डूहक धनियारा में नई उठायु पेयजल योजना 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कोना सेंधु की दूरी को कम करने के लिए सड़क निर्माण और महाविद्यालय में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 21,000 देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय की सभी मांगों को चरणबद्ध पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया। इस अवसर पर उन्होंने 21 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 3,33,000 की सहायता राशि चेक भी वितरित किए। इससे पहले महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल आजाद ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और महाविद्यालय में PGDCA कक्षाओं तथा नए भवन के समर्पण के लिए आभार प्रकट किया। इसी सत्र से अब आपके पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर एप्लीकेशन की कक्षाएं भी पूर्ण में चलना शुरू हुई। अच्छा है, यानी ये जो हमने सोचा है वो इसलिए सोचा है कि यहां ये न्यूगल नदी के किनारे इस शहर से हट करके जो शिक्षण संस्थान कॉलेज के रूप में बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा है, इसका भविष्य और उज्जवल हो, ये मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। और इलाके की जनता के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि अगर यहां पर जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अगर वो सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चे यहां पर एडमिशन लेते हैं तो यहाँ इस कॉलेज का भविष्य और संवर जाएगा और इसको संवारने में हिमाचल प्रदेश सरकार निरंतर कोशिश कर रही है। क्योंकि मैं ये देख रहा था, मुझे पहली बार 1997 में